देख लो फिर, आज के बाद कभी देखोगी भी नहीं। सैफ अली खान, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान को बखूबी किरदार करते हुए देखा होगा और ये फिल्म भारतीय पर्दे पर सफल रही थी। हालांकि सैफ अली खान का पारिवारिक संबंध नवाबों के खानदान से था, यदि चाहते तो सैफ अली खान अपने पुरखों द्वारा बनाए गए शाही राज्य को आगे ले जा सकते थे, मगर सैफ अली खान ने अपने दम पर अपना करियर खड़ा किया है। यह एक बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता भी है। 2021 की भूत पुलिस और बंटी और बबली 2 में वो दिखाई दिए हैं। 1983 से अब तक दर्शकों के दिल में सैफ ने अपनी अलग जगह बनाई है और आज हम उनके बारे में 15 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे जो शायद ये आपको नहीं बताऊंगे। दोस्तों, मैं हूँ यक्षिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे। नंबर 1, छोटे नवाब के नाम से पुकारे जाने वाले इस अभिनेता का जन्म दिल्ली में 16 अगस्त 1970 को हुआ था। इनके पिता नवाब पटौदी क्रिकेटर हुआ करते थे और इनकी माता सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर है। नंबर 2, इनके अलावा इनके परिवार में इनकी 2 बहनें भी हैं, एक सोहा अली खान जो भारतीय सिनेमा में सैफ अली खान की तरह कई फिल्में करती हुई नजर आ चुकी हैं, और दूसरी बहन सबा अली खान एक शाही डिजाइनर के रूप में कार्य करती है। नंबर 3, सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह थी जो कि सैफ से 12 वर्ष अधिक थी, एक सारा अली खान जो अभिनेत्री है और दूसरा इब्राहिम अली खान। नंबर 4, तलाक के बाद नवाब सैफ अली खान का लव अफेयर इटालियन स्विस रोजा कांटानानो के साथ रहा जो पेशे से मॉडल थी, परंतु ये मॉडल भारतीय मूल की नहीं थी। नंबर 5, साल 2015 में करीना कपूर से शादी करने के बाद सैफ का एक बेटा है जिसका नाम तैमूर अली खान है। नंबर 6, सैफ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के रिलायंस स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद वो केवल 9 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए जहां इन्होंने लॉकर्स पार्क स्कूल, हर्टफोर्डशायर और विंचेस्टर कॉलेज से पढ़ाई को पूरा किया और वापस इंडिया आने पर उन्होंने 2 महीने तक दिल्ली में एक एडवर्टाइजिंग फर्म के लिए काम किया। नंबर 7, आपको बता दें कि ग्वालियर में उनके पारिवारिक मित्र के कहने पर उन्होंने कपड़ों के ब्रांड ग्वालियर स्वीटिंग्स के लिए कुछ विज्ञापनों में काम किया और बाद में उन्हें डायरेक्टर आनंद महिंदुरू ने कास्ट भी किया था, लेकिन किसी कारणवश ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया और फिर इसके बाद उन्होंने फिल्मी जगत में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आने का विचार किया। नंबर 8, सैफ अली खान ने परंपरा फिल्म से डेब्यू किया था जो कि 1993 में आई थी और इस फिल्म को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। नंबर 9, 1994 में यश चोपड़ा की 2 फिल्मों में जिसमें अक्षय और सैफ अभिनय करते हुए नजर आए थे, इनकी 2 लगातार जोड़ी वाली फिल्म भारतीय पर्दे पर सफल रही थी। नंबर 10, 2004 में आई रोमांटिक कॉमेडी और ड्रामा फिल्म हम तुम ने सैफ अली खान को सबसे ज्यादा फिल्मी जगत में प्रसिद्धि दिलाई और इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। नंबर 11, इसके बाद विद्या बालन की परिणीता और सलाम नमस्ते रेस, फिर रेस 2 जैसी बेहतरीन फिल्मों में दमदार एक्टिंग की। नंबर 12, उन्होंने 2010 में पद्मश्री को 4th सबसे बड़ा भारतीय नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया। नंबर 13, सैफ के पिता का 22 सितंबर 2011 को निधन हो गया जिसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से पटौदी का 10वां नवाब बनना पड़ा। 1971 के बाद से इंडिया में ऐसा कोई आधिकारिक या कानूनी दर्जा नहीं है। नंबर 14, सैफ 40 से भी अधिक फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं जिनमें 1 नेशनल फिल्म अवार्ड है और 7 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। नंबर 15, बीवी नंबर 1, आरजू, दिल चाहता है, कल होना हो, एलओसी कारगिल, परिणीता, सलाम नमस्ते, ओमकारा जैसी फिल्में कर चुके सैफ ने वेब सीरीज तांडव में अपनी भूमिका से भी सभी को चौंका दिया और हाल ही में उनकी बंटी और बबली 2 आई है। 2022 में वो अति पुरुष और विक्रम वेधा नाम की फिल्म में लेकर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। याद रहे मेरे 2 ही रूल हैं। रूल नंबर 1, मेरा पैसा कभी खोना नहीं, और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1